मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि आप लोग भी सजेस्ट करो कि कौन सा टॉपिक अच्छा हो सकता है जिसमें आप लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे। तो एक कमेंट आया था जिससे मैं बहुत ही अट्रैक्ट हुआ कि भाई आप अपनी अर्निंग बताओ। ये YouTube के अलावा क्या करते हो, कैसे करते हो, मैनेज कैसा करते हो? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैं घर पे ही रहता हूँ, पोकड़ इंसान हूँ, काम वाम तो करता नहीं हूँ, तो खर्चे कैसे चलते? वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, अपलोडिंग, उसमें गड़बड़ हुई तो फिर से री एडिटिंग, बहुत मेहनत लगती है बाबा, ऐसे बैठे बैठे नहीं होता। सच्ची बताओ, अगर मेरे को मालूम रहता तो मैं ये करने वाला हूँ फ्यूचर में, मैं 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए इतनी मेहनत नहीं करता। पहली जॉब मेरी स्टार्ट हुई थी 3,000 रुपए से, तो मेरी हुई थी 4,500 रुपए से, क्योंकि ये लेट आई थी ना मार्केट में। नहीं 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 नहीं, मेरी भी 3,000 से हुई थी, मेरी भी 3,000 से हुई थी, लेकिन मेरी सीसीडी नहीं थी। हमारी मेरी सीसीडी थी, जब 17 साल का था मैं तब से पहली जॉब शुरू हुई थी। तो एक ये था कि मेरे को फ्यूचर देखते ना, क्या हर कोई के भाई कैसा करना है क्या करना है, मैंने कभी अपनी इनकम का वो नहीं रखा कि भाई मुझे इतनी इनकम आना चाहिए। मेरा ये था कि 30 साल की एज तक, अभी हो गया 30 साल, पहले सुन लो मेरा एम क्या था कि 30 साल तक के ना मेरे पास ऐसा इतना पैसा हो ना कि मेरे को ना सर्वाइव करने के लिए, कि महंगाई बढ़ रही है ना तो उसका लोड नहीं आ गया। अरे यार भिंडी इतनी हो गई, कांदा इतना हो गया, तेल इतना हो गया, कैसे चलेगा, वो ना हो जिंदगी में, ये था एम। अल्हम्दुलिल्लाह हर जॉब, हर साल प्रमोशन मिलते थे, कहीं पे भी जम मारता था। मैं एक कंपनी में टिक के काम करने वाला बंदा नहीं था, मेरे को ग्रोथ चाहिए था, क्योंकि मैं अपने आप को पॉलिश करता था फटाफट, तो मुझे जल्दी जल्दी इम्प्रूवमेंट प्रमोशन चाहिए रहते, तो भागते तो यहाँ उड़ी मारे वहाँ उड़ी मारे, है ना। हाँ, तो मैं बिंदास करता था क्योंकि अपने को कॉन्फिडेंट था। अपनी लाइफ में 100 से ज़्यादा इंटरव्यू दिया हूँ मैंने बिंदास, तो भले से फिर सामने इंटरव्यू लेने वाला एक बंदा रहे या 5 जन की टीम रहे, आप उन सबको जवाब देने के लिए तैयार रहते। मैंने इतने सारे नहीं दी, नहीं मैंने बहुत दिया, क्योंकि मुझे एक कॉन्फिडेंट ये था ना कि भाई मेरे पास वो नॉलेज है, मेरे पास वो आंसर है जितने तुम्हारे पास क्वेश्चन है, तो वो चीज़ थी मेरे मन में। हाजिर जवाब है, हाजिर जवाब, सोचना नहीं पड़ता है। यकीन मानोगे, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे इंटरव्यू में सिलेक्शन इसलिए नहीं होते थे क्योंकि मेरा प्राइस बजट के ज़्यादा होता था उनके, कि उनका हिसाब था 15,000 की सैलरी में एक ऐसा कोई बंदा मिल जाए, और मेरा वो ऐसा था कि मेरी लास्ट जॉब में मेरी 18,000 सैलरी थी, और तुम्हारे सारे सवालों के तो जवाब दे दिया मैंने, अब तो मेरे को 20,000 दो, तो सॉरी हम आपको इतना पैसा नहीं दे सकते, कोई बात नहीं मैं दूसरे यहाँ जाता हूँ। हाँ वो था अपने अंदर बिंदास, और फिर जिधर भी काम करो ना तो फिर A1, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई यार ये क्या बंदा आ गया है, फिर वो सीन था हमारे। ये तुम्हारी थी फर्स्ट जॉब, मतलब करियर का ऐसा ही शुरुआती दौर, ऐसी समझो ऐसी था। नहीं मेरा कैसा था, मेरा फर्स्ट जॉब था मेरे अंकल के ही, मतलब ऐसी आसपास पहचान वाले के ऑफिस में। चलो आ जाओ दुकान में, चिज्जी बटो नहीं था, रियल स्टेट के थे बिजनेस उनकी, तो वहाँ पर सिर्फ काउंटर पे बैठना होता था, तो 3,000 सैलरी थी पर मंथ। नेक्स्ट जॉब सीधा फिर मैं गया शॉपर स्टॉप, सीसीडी के बाद मैं शॉपर स्टॉप में लगा, गैप के बाद रिटेल में चले गया था मैं, मतलब इसको नहीं मालूम पूरी कहानी, क्योंकि पहला जॉब होने के बाद मैं सडनली नहीं, एक 4 महीने का गैप हो गया था मेरा। हाँ। पहला जॉब करने के बाद 4 महीने का गैप हो गया, अब बोले चलो ठीक है कहीं दूसरी जगह करते, तो वहाँ पर 5,000 मिल रही थी शॉपर स्टॉप में, तो वहाँ 7-8 हज़ार, तो 7-8 महीना काम किया। फिर उसके बाद मेरी दूसरी तीसरी जॉब थी ग्लोरिया जीन्स, जिधर पर मेरे को पगार मिली 7,000, और 3 साल तक मैं वहाँ काम किया, तो 3 साल में मेरे पगार 7,000 से 11,500 रुपये पहुँचे। फिर उसके बाद सीधे बन गया अपन असिस्टेंट मैनेजर, वो 3 साल में इतना नॉलेज गेन किया कि भाई अपन मैनेजर बन गया, ठीक है। तो पहली फिर जॉब लगी 15,000 की, फिर 15 से 20, 20 से 22, 22 से 25, 25 से 28, 28 से 32 तक के, 32 में कट के हाथ में 30 तक आती थी। मेरा कैसा था, मेरा वो जो फर्स्ट जॉब 3,000, उसके बाद में ज्वाइन किया मैंने सीसीडी 4,500 में, वहाँ पे पूरे 7 साल काम किए मैंने सीसीडी में, मैंने कंपनी चेंज नहीं की। वहाँ पर जॉब करते करते मेरी सैलरी 15 तक पहुँची, फिर उसके बाद मैंने जॉब चेंज किया तो वहाँ पर मेरी सैलरी पहुँची 18,000, फिर मैंने वापस से चाय पॉइंट ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरी सैलरी वाशल 28,000, सीधा 10,000, सीधा 28,000, स्टोर मैनेजर, एयरपोर्ट का आउटलेट, उसके बाद में इंसेंटिव वगैरह लेके 32 इन हैंड, है ना। शादी से पहले तक
शादी से, हाँ शादी से पहले तक, शादी के बाद भी मैं जाने वाली थी जॉब पे, लेकिन फिर यूसुफ महाराज आ गए तो जा ही नहीं सकते थे, तो एट देंड वो रिजाइन देना पड़ा। ये भी हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सेटल हो गए कि जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर मैं, फिर शादी के बाद भी मैंने जॉब किया, लेकिन कैसा किया मालूम क्या, जो एक्चुअल करना था वो नहीं किया। प्लीज, हाँ प्लीज, मैं तो ऐसे डिस्टर्ब कर रही थी। अच्छा, हम लोग नहीं होते डिस्टर्ब जीना। तो शादी के बाद भी मैंने जॉब किया, लेकिन जो अपना रहता ना कि ये वैल्यू है मेरा, ये मेरी पोजीशन है, तो मैंने उस हिसाब से नहीं किया। एक्चुअली शादी के बाद वाला जॉब है ना इनका टाइम पास जॉब था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मगजमारी वाला जॉब नहीं था, उनको था कि बस टाइम पास करने का जाके, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने यूट्यूब चैनल चालू कर चुके थे, एक सोर्स ऑफ अर्निंग चालू हो गई थी, चालू हो चुकी थी, फिर अम्मी लोग का भी चालू हो गया था, आपा भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे सेटल थे, तो वो हिसाब से ना इनका था कि टाइम पास जॉब। हाँ, कि भाई मेरे पास टाइम बच रहा है इतना करने के बाद भी मुझे कुछ करना है, तो फिर वहाँ पर भी अपने अंदर एक था ना कि यार, एक तो मैं हाई पोजीशन वाला बंदा हूँ, ठीक है, ये तुम लोग को भी मालूम पड़ रहा है, समझ में आता है मेरे काम से, ठीक है, उसके बाद भी मैं कम पगार पे, कम लेवल पे काम करने के लिए तैयार हूँ, उसके बाद मैं फालतू में कुछ नहीं सुनेगा। उल्टा खुद जाके डरा गया था, बोला नहीं भैया ये सब नहीं चलेगा, मैं कर रहा ना अच्छे से कर रहा। एक्चुअली क्या होता है ना, एक बार हम जब मैनेजर लेवल पे आ जाते हैं और उसके बाद बोलेंगे ना मैनेजर लेवल से एक पोस्ट कम लेवल पे, जी यूज़ नहीं करो, नहीं होता है। फिर भी मैं किया, बहुत अच्छे नहीं से होता किया है। लेकिन फिर भी अननेसेसरी बोलते ना, क्या नॉनसेंस रीजन के लिए मुझे नहीं बातें सुनना, वो भी मेरी गलती नहीं, किसी दूसरी की गलती, तो फ्रस्ट्रेशन मुझ पे आके उतारोगे तो ये लो तुम्हारी जॉब, मैं जा रहा हूं टाटा। तो फिर उसके बाद इन्होंने सीधा जॉब को बोला खुदा हाफिज, उसके बाद इन्होंने जॉब नहीं किया, सिर्फ यूट्यूब, हाँ सिर्फ यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूब भी कोई खाने का काम नहीं है। हाँ, यूट्यूब एक फुल टाइम जॉब होती है, पार्ट टाइम करेंगे तो आप माइंड डिस्टर्ब रहेगा आपका हमेशा। जो लोग पूरे अपनी खुद की घर की ब्लॉगिंग देते हैं उनका पूरा दिन जाता है, उसके बाद रात भी जाती है एडिटिंग करने में, पोस्टिंग करने में। जो लोग कुछ घंटों के भी ब्लॉग बनाते हैं उनका भी देखा जाए तो पूरा दिन जाता है, क्योंकि वो जगह पर जाना, वीडियो शूट करना, आना, एडिटिंग करना, पोस्टिंग करना, फिर उसमें कमेंट्स देखना, कमेंट के रिवर्ट करना, तो एनी विच वेज 10 घंटे की जगह 20 घंटे का। इन शॉर्ट, हाँ यही मेरा पॉइंट था कि इधर पे टाइम लिमिट नहीं होती, क्योंकि एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको टाइम लगता है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम लगता है, फिर उसके एडिट प्लस अपलोड प्लस टाइटल थंबनेल ये सब करने में ज्यादा टाइम जाता है, ठीक है, तो टाइम जाता है। फिर लेकिन सोर्स ऑफ इनकम ये एक नहीं रहती, ये यूट्यूब बोलने के लिए है लेकिन सोर्स ऑफ अर्निंग एक नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल हो जाती है। अपने को डायरेक्टली यूट्यूब से आता है अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी इस बात की कि हमारे घर के सारे चैनल अर्निंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो फिर उसके साथ ही साथ प्रमोशंस चलते हैं, प्रमोशंस करना पड़ता है गाइस, लाइक समझ जाओ ना, एक हिसाब से आप समझ जाओ कि सेल कर रहे हो कोई भी चीज़ का, प्रोडक्ट का सेल कर रहे हो, आपकी कंपनी ने बताया आपको स्पीच ये है ए बी सी डी ई एफ जी, आपको मालूम है उसमें ए बी सी डी ई एफ जी है नहीं, लेकिन अपनी स्पीच है भाई कस्टमर को बताने गए, तो ये होता है प्रमोशन टाइप। और तीसरा एक और अर्निंग होती है जो मैंने अभी तक नहीं चालू किया है, इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे, वो होता है एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, वो करने के लिए अभी भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं खुद बोलते ना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मेरे पास अभी वो बेस नहीं है और मेरा इंटरेस्ट अभी उसमें इतना नहीं है, तो इसकी वजह से मैं वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर मेंबरशिप आती है जो कि तुम लोग के जरिए मैं पैसे कमाऊँ, लेकिन मैं नहीं चाहता वो चीज़ अभी, ठीक है, तो वो उस चीज़ को भी रुका के रखा हूँ। और फ्यूचर प्लान और भी है कि भाई अपने को दूसरा चैनल करना है, नए कंटेंट करना है, पब्लिक के साथ कोलैब करना है, मिलके एक बड़ी कम्युनिटी बनाना है, तो ये सब फ्यूचर प्लान करेंगे है इंशाल्लाह। हाँ, तो इन शॉर्ट मैं तुम लोग को ये बता दूँ कि भाई ये सब मैं जॉब छोड़ के क्यों कर रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं यार, खाली पैसे के लिए नहीं है, कोई भी जॉब कर लो उसके अंदर ना आपको पैसा मिल जाएगा, इज्जत नहीं मिलती, कोई प्यार नहीं करता तुमको, चले आया ना काम कर, दो घंटा और करो फिर जाना, ठीक है, छुट्टी कैंसल। यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, अपनी मर्जी के मालिक, अपने टाइम पे काम करो, अपनी मर्जी का काम करो, मूड नहीं है, तबीयत खराब है, बिंदास छुट्टी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें ऐसी एड ऑन है इसमें कि मैं अभी ऐसा हो गया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी ऐसी आती है ना कि अपन कहीं जाके जॉब के लिए अप्लाई करेंगे ना, तो मेरे को नहीं लगता कि अभी के इस टाइम के हिसाब से मुझे उतनी सैलरी कोई देगा, तो उस हिसाब से अपने लिए यूट्यूब बेस्ट है। अभी आप लोगों का क्वेश्चन यही आने वाला है नीचे कमेंट में कि भाई कितनी अर्निंग होती है वो तो बताओ, तो इतना बताऊंगा मैं कि जो सैलरी में कमाता था उससे ज़्यादा मैं घर में अल्हम्दुलिल्लाह देता हूँ, नूर को खर्चा देता हूँ, यूसुफ के लिए खिलौने आते रहते हैं, साथ ही साथ मेरे खर्चे निकलते हैं और थोड़ी सेविंग भी हो जाती है।
अभी तो मोबाइल के लिए सेविंग चालू है। हाँ, अभी तो देखो चल रहा है, खर्चा बड़ा है ना। लेकिन मैंने खर्चा भी कर दी थोड़े से पैसे। देखो ऊपर वाला भी बोला है कि कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है, आप कितनी भी मेहनत कर लो वो उस वक्त पे ही मेरा मैं बोली भगाओ यार कब होगी मालूम नहीं, थोड़ा खर्चा कर लेते। हाँ तो नूर ने भी मतलब बोले ना बहुत की है, और अभी ऐसे ऑप्शन और भी है कि नूर यहाँ घर में बैठे बैठे भी अर्निंग कर सकती है और वो करेगी इंशाल्लाह। मैं करूँगी क्योंकि मेरे को आदत है वो इनकम करने की ना, तो मेरे को करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है, जरूरी नहीं कि आपको ब्लॉग ही बनाना है या तो फिर यूट्यूब ही एक जरिया है, और भी काफी जरिए है, जरूरी नहीं है फेस रिवील करना, बहुत सी चीजें हैं कर सकते हैं, तो वो जरूर करेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में डेफिनेटली। सब अब तो तुम लोगों को सवाल का जवाब मिल गया रहेगा, भाई आपकी अर्निंग का सोर्स क्या है और कैसे पैसे आते, कितने पैसे आते हैं, कितने पैसे आते हैं, मैं क्लियरली वर्ड में नहीं बताऊंगा आपको, एक राउंड फिगर अमाउंट नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो एक अर्निंग का राउंड फिगर नहीं है, वो अप डाउन होते रहता है, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता। कभी कम आता है तो तंगी में चलाना पड़ता है, कभी अल्हम्दुलिल्लाह आता है तो फिर खर्चे भी करते हैं बिंदास। तो ये है हमारा अभी सोर्स ऑफ इनकम, जैसा आप लोगों को जानना था। एनीथिंग टू ऐड? तो बोली नहीं कुछ, सब तो मैंने बोला। हाँ फिर कुछ नहीं, मैं भी बड़बड़ कर रही हूं, तुम एडिटिंग करेंगे तो देख लेना। चल भाग, मैं तो सब निकालने वाला हूँ। अब निकालो। तो गाइस आप लोग बिंदास क्वेश्चन कीजिए, कमेंट्स कीजिए क्या वीडियो चाहिए वो भी कमेंट्स कीजिए। मैं डेफिनेटली आज थोड़े मस्ती भरा ब्लॉग देने वाला था, लेकिन मैं रीजन बता दूं, यहाँ देखो मेरा पापू सो रहा है ठीक है, तो इसके वजह से मैं आज उसके साथ मस्ती कर नहीं पाया, ये भी थोड़ी बिजी थी। धमाल मचाएंगे तो फिर उठ के धमाल मचाएंगे। हाँ तो फिर मैं बोला चलो यार, ये भी पॉइंट बहुत ही अच्छा था, किसी ने कमेंट किया था कि भाई हमें ये जानना है, और मेरे ख्याल से बाकी सबको भी जानना था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग मैसेज करते रहिए, कमेंट करते रहिए, क्या चाहिए कैसा चाहिए, हम लोग श्योरली कोशिश करेंगे आपको बताने की, ठीक है। अच्छा बनता है यार, आप लोगों का भी बनता है कि हमारे बारे में जानो, ठीक है, और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों के बारे में जाने, लेकिन कमेंट के अलावा कोई और सोर्स मिल रहा नहीं है। दूसरी बात ये कहूँगा, देखो अभी मेरी अभी अर्निंग की बात चल रही है, तो ये टाइम बेस्ट है मेरे को ये बोलने का कि अगर आप लोगों का कोई बिजनेस खुला है या खुलने वाला है, या फिर कोई चीज़ का प्रमोशन करवाना है, बिंदास मिस्टर सरफराज के पास आइए, मैसेज कीजिए, इंस्टा पे DM कीजिए, मेरे ईमेल आईडी पे मेल कीजिए कि हमने नया बिजनेस सेटअप किया है, हमको मार्केटिंग करना है, तो मैं ज़रूर इंटरेस्टेड रहूँगा अगर मेरे हिसाब का प्राइस मिलता है। हमेशा मेरी चाहत ये रहती कि मैं किसी से अगर कुछ कमा रहा हूँ तो उसका अर्निंग होना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम मेरे पास फिर आए। अगर सिर्फ मैं ही कमा लूँ और सामने वाले को नहीं मिले कुछ भी, तो फिर वो तो वन साइड डील होगी ना। तो प्रमोशन डिपार्टमेंट, अपन प्रमोशन डिपार्टमेंट मैं नहीं करती। डिजिटल मार्केट में इन्वॉल्व हुआ तो मैं ये नहीं बोलूंगा अरे यार ये क्यों करूँ वो क्यों करूँ, मुझसे नहीं होता। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, कन्विंस करना या प्रमोशन के बारे में एक्सप्लेन करना मुझसे नहीं होता। हाँ इसलिए मैं वन साइड खेलता हूँ ये सब चीजें में, ये सब चीजें में इन पे। इसके लिए तो मैं रिटेल जॉब कभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, कभी नहीं। इन लोग रिटेल जॉब वाले लोगों को पता है कि हाउ टू कन्विंस को, मैं बताऊँ मुझे नहीं पता। हर जगह टिक के काम नहीं करता ना, तो कहीं कहीं मैंने ना ऐसी ऐसी जगह पे काम किया जिधर पे एक महीना भी काम नहीं किया, तो मेरे पास कितने, लेकिन वहां से सीखा है, ऐसा नहीं कि खाली बैठ के आ गए, सीखा है। लेकिन उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी लाइफ में तो मैं फटाक से क्विक कर लेता था कि चलो ठीक है। मैंने एडिटिंग की है, एडिटिंग डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम किया है, यूट्यूब करने से पहले मैंने एडिटिंग की है, मैंने कॉफ़ीज़ बनाई है, मैंने पॉपकॉर्न बेचा है पॉपकॉर्न बना के थिएटर में, और मैंने बुक्स सेल की है, बुक्स घर घर जाके डिक्शनरी बेचने का, फील्ड वर्क, फिर MR में भी फील्ड वर्क अच्छा खासा 20 किलो का बैग उठा के हम लोगों को पैदल घूमने का रहा था, तो वो किया है। लेकिन इस सब का बोलते ना एक बेनिफिट क्या मालूम है, ये हर चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा हो फ्यूचर में मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम ज़रूर आता है, ठीक है। 8 साल की उम्र से 15 साल की उम्र तक के जब लगभग मेरे को जितना 8 साल नहीं मान लो दो तीन साल मैंने घर में जरी का काम भी किया है, तो मुझे जरी का जो हैंडवर्क वाला काम है वो क्या भी आता है दे रहे? लेकिन मैंने अभी तक उसका यूज किया नहीं हूँ। क्या सिल के दे रहे? फिर उसके बाद मैंने टेलरिंग भी की है, पता है कि आप लोगों को वही तो पूछ रही हूं, क्या टेलरिंग भी आता है, कपड़े भी सिलाता है। देखो इन फ्यूचर अगर ना बोलते ना नसीब साथ दी ना, अपन फ्यूचर में फैशन डिजाइनिंग का भी कुछ करेगा, जरी से खुद का डिजाइन बनाएगा, स्टिचेस से खुद के ड्रेस सिलेगा, है क्या नहीं? मेरे अंदर पेंटर भी है वैसे, लेकिन उसको छुपा के रखा क्योंकि आजकल हाथ कांपते हैं। वो पेन पकड़ने की याद नहीं क्या, हम जब मेहंदी लगाते हैं और बहुत वक्त हो जाता है तो हाथ कांपते वैसा होता है।
मेरे को ना सबसे अच्छा क्या लगता है मालूम क्या तुम लोगों को, अगर सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाना है ना, मेरा माइंड बोलता है कि नेटवर्किंग। नेटवर्क एक ऐसा है, नेटवर्क मतलब बताता हूँ तुम लोगों को सिंपल, इतिहाद में बरकत है बाय अर्तुल गाजी, यही चीज है गाइस नेटवर्किंग। मतलब के मिलो, ग्रुप बनाओ, सब एक दूसरे से कमाओ, ये सबसे बेस्ट थिंग होती है मेरा मानना है। लाइक अगर मैंने कोई चीज की और मैं चाहता हूँ कि सब करे, तो वो उसको बोलते चेन, और वो चेन एक दो बार करने से नहीं होती है, कम से कम 40-50 बार वो चेन अप्लाई करने पर जिस दिन उसको ट्रिगर्ड मिला तो वो आपकी सक्सेसफुल चेन बन गई, फिर तो आप कुछ भी करो चलना है वो। तो ये कंसेप्ट भी है, इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी ट्राई करेंगे। बस आई गेस तुम लोग को आज ऐसा लगा नहीं, लगना नहीं मांगता यार, क्या बोले यार ये क्या लेके बैठे, ये सब ऐसा इंटरेस्ट वाली चीजें। हमने कोशिश की आप लोगों को अपनी अर्निंग बताने की। हाँ बस कमाता हूँ अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फाइट क्यों मोबाइल नहीं दिला रहे ना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।